आउट क्लास कर दिया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स थे उनके स्पिनर्स हैं, क्या जबरदस्त तरीके से क्या नाम है दिलीप कुलदीप कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, उसने विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था, तो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, तो उनकी बॉलिंग बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो पिच को इतना जबरदस्त यूटिलाइज किया उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने, जो रविचंद्रन अश्विन है जिसने गौरव की टांगों में दिखाया कि दम किसके पास है, बॉल किसका अभी भी जादू करते चार अश्विन पांच ने, और ध्रुव जुरेल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई, जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, काल और धमाल की गेंदबाजी की है, दोनों ने मिलकर 9 विकेट झटके और 1 विकेट रविंदर जडेजा को मिला। कुलदीप यादव 4 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 5 विकेट लिए और ध्रुव जुरेल ने जो बैटिंग की टीम इंडिया को, वहीं से मोमेंटम मिलना शुरू हो गया था। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच। क्रेडिट तो जाता है सवेरा, नो डाउट एक्सीलेंट इनिंग खेली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेल रहा था कि उसको बैटिंग देखने में मजा आ रहा था। बिल्कुल, तो आई मीन कि देखें तो सही कि टैलेंट कितना ज्यादा है, किस तरीके का टैलेंट और जिस कॉन्फिडेंस से उस टॉप क्लास बॉलर्स को उस लड़के ने खेला है, मजा आ रहा था उसकी इनिंग देखने में। कहीं नहीं लग रहा था कि प्रेशर ले रहा है या जबरदस्ती की कोई शॉट मार रहा है, मेरिट के ऊपर खेला है। इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच तीसरा दिन था और कह लें कि जिस तरह से बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया है भारतीय बॉलर्स ने एक बार फिर से, अश्विन की बात करेंगे 5 करके गए हैं, साथ में कुलदीप ने 4 विकेट लिए हैं, उनके बॉलर आज बैट्समैन को भी मात दे रहे थे 90 एब्सेंट रविचंद्रन अश्विन है जिसने गौरव की टांगों में दिखाया कि दम किसके पास है, बॉल किसका अभी भी जादू करते, विकेट कैसे आगे बढ़ेगी, कौन आउट करेगा, कैसे आउट करेगा, कुलदीप 4 अश्विन 5 जिसने पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं ली 4 जिसने पहली इनिंग में 1 ली 5 जडेजा ने 4 पहली में ली चले 1 इसमें ले ली, तो उसको आकाश दी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ बहुत लंबा इसने कुलदीप और जडेजा को लगा दिया। साहब आज का दिन, आज के ये 7.5-8 घंटे का दिन इंडिया को वापस इस टेस्ट में ला चुका है, लेकिन आज सुबह का आगाज हमने देखा कि जब ध्रुव जुरेल जो के एक जबरदस्त एक क्या माइटी हार्ट के साथ आज उसने इनिंग्स खेली है, 90 रन की इनिंग्स लगाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी कुलदीप यादव की, हालांकि आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ, कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए, और अभी जिस तरह रोहित शर्मा और जायसवाल ने एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है, बड़ा क्रूशल वक्त था इंडिया के लिए, इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है। क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरेल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई, जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 100-150 की लीड जो है वो आराम के साथ हासिल कर लेगी, वहां पर टोटल इंग्लैंड के हाथ में 46 रन आए, इंग्लैंड को पकड़ के सुझा दिया, इंग्लैंड की पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है, इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है भाई। कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते, आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं, इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने। कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉलर्स इतनी हाई पर हैं एंड पाकिस्तानी बॉलर्स क्यों काफी डाउन नजर आते हैं? पाकिस्तानी बॉलर्स की अपनी जो नेशन के साथ कमिटमेंट बहुत कम है। वो टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में कमबैक किया, काफी शानदार कमबैक किया है, जिस तरीके से ध्रुव जुरेल ने 90 रन की एक बेहतरीन पारी खेला और अपना करियर का आज उन्होंने शतक बनाने से चूक गया। इसके अलावा कुलदीप यादव जो काफी कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेकर चले गए और रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट लेकर चले गए, जायसवाल ने भी काफी शानदार बैटिंग की थी और 72 रन की उन्होंने भी काफी कमाल की बैटिंग की थी और आज उन्होंने 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
ये सचिन जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में आप उनका देखेंगे तो काफी कमाल का रैंकिंग उनका आ गया है। मात्र 8 टेस्ट मैच खेले हैं जायसवाल, 699 पॉइंट के साथ 15वें नंबर पर बने हुए हैं और जो 72 रन बनाए हैं और जो अभी 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं वो अपडेट हो जाएगा तो 2-3 पॉइंट का और छलांग लगाएगा यह है। तो क्या टीम इंडिया 10 विकेट से ये मैच जीत पाएगा या इंग्लैंड की टीम एकाध विकेट ले लेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।